लेंगे। तो बस आज की मेरी रेसिपी बेसन की लड्डू है, जो कि सर्दियों में बहुत ही मज़ेदार बने। सूजी मैंने लिए 2 कप लिए और क्या कहते हैं बेसन जो है मैंने वो भी 2 कप लिया है और चीनी जो है उसको पीस लेना है। घी मैंने 2 कप लिए, मैंने छोटे वाले लिए। घी जो है वो 10 चमचे लिए हैं टेबल स्पून और इलायची जो है 1 टीस्पून है और 1 ग्लास वाटर है उसको मैं बनाऊँ भूनने के लिए और ये जो है बादाम छिलके हैं 2 टेबल स्पून। तो बस अब रेसिपी शुरू करती हूँ। बस मैंने बाउल के अंदर जो है बेसन डाल दिया है और अब इसको मैं डाल दूँगी सूजी। तो बस सूजी मैंने डाल दी है, उसको जो है मिक्स करना है और जिसके अंदर घी जाएगा ना जिसके अंदर घी डालूँगी, घी को उसको पिघला के डालूँ, जमा बिल्कुल नहीं डालें तो मैं मेल्ट हुआ होगा ना उसके अंदर अच्छे से मिक्स होगा। तो बस उसके अंदर और ये वाली जो मैं कब भी खा रही हूँ ये मैंने सूजी से और बेसन के लिए। अब जो है उसके अंदर घी डाल देंगे और तो बेसन घी डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे और घी डाल देंगे उसको अच्छे से मिक्स कर लें। बस मिक्स करते हैं ना बहुत ही मज़ेदार लड्डू बनते हैं और बहुत ही लजीज बनेंगे और मतलब ये इतनी सॉफ्ट में बनते हैं ना, मतलब जो है मैं वरना बेसन के लड्डू जो है उनको तो भूने फिर बनाए, बहुत ही आसान रेसिपी में लेके आती हूँ। तो बस इसको जो है बनाएं और जो है इंजॉय करें और बाहर जो उनके आप बाजार से देखते हैं छोटे छोटे से लड्डू मिलते हैं और घर में इतने अच्छे मज़ेदार और इतने ढेर सारे बनेंगे। अभी 2 कप में आपको दिखाऊंगी बहुत सारे बनेंगे। बस इसको भून में पानी लगा के थोड़ा थोड़ा और ये जो है ना इसकी ज़्यादा इसकी दो ना सख्त होनी चाहिए ना सॉफ्ट होनी चाहिए, बिल्कुल दरमियानी होनी चाहिए ना मैंने इसको नरम किया, बस ठीक होनी चाहिए। तो और जो है ना अब मैंने इसको भूनने के बाद में कभी इस शेप में आई दूँगी अच्छे से भूनने इसको आप बस इसको 10 मिनट मैंने रख दिया था और क्या कहते हैं अब जो है यहाँ पे मैंने इसके बनाने गोल गोल लड्डू बनाने मतलब अभी लड्डू तो पूरे फाइनल ही बने, बस इसको गोल गोल लड्डू भी जहाँ बनाने इसके और क्या कहते हैं गोल करके और फिर मैं आपको आगे बताती हूँ क्या करना है, मतलब ये फ्राई भी होंगे तो फिर बन गए लड्डू अभी आगे धीरे बने। तो बस इस तरह गोल गोल बनाते हैं मैं जितनी भी टाइप से बनाने के लिए उसका कोई वो नहीं है, मतलब जो है ना इसको सत्ता करके मैंने भी फिर उसको आपको दिखाऊँगी मैंने उनको दोबारा से फ्राई करके फिर दोबारा से ये होगा इसका कोई भी। तो बस फिर इसी तरह बनाने बहुत लजीज और लंबी बनते हैं सर्दी में खाएँ मज़ेदार सर्दी करके खाते हैं और बस इस तरह से मैंने बना लिया। अच्छा इनको ना इस तरह से कबाब में चट्टा कर देना इसे और सोख से लेकर ना इसे सुराख कर दें ताकि ये फूलें नहीं, फूलने के लिए इनको फ्राई करेंगे वो डीप फ्राई भी नहीं करना, बस थोड़ी देर में फ्राई करना उसको लाइट गोल्डन ब्राउन में। तो बस सारे लेकिन मैंने इस तरह से सब्जी डाली और फोक से लेके ना इसके अंदर सुराख कर लें तो ये जो है ना इसके अंदर एयर नहीं भरेगी और बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही आसान और जल्दी बनेंगे। बस अब मैंने तेल डाल दिया, तेल के अंदर जो है मैंने इसके अंदर सारे लड्डू जो मैंने चपके किए थे वो सारे डाल दिए और समझे 5 मिनट एक का और 5 मिनट 10 मिनट में ये फ्राई हो जाएंगे और लाइट 9-10 मिनट हो गए हैं, देखें लाइट गोल्डन हो गए हैं किस तरह से और ज़्यादा इसको ब्राउन भी नहीं करना बस लाइट गोल्डन ही रखना है। बस अब मैं इसको निकाल रही हूँ और क्या कहते हैं ना सारे निकाल लिए हैं, अब जो बाकी दूसरे बचे हुए अब उसी तेल में जो है दूसरे वाले डाल दूँगी, इनको भी इसी तरह फ्राई कर लूँगी। तो फिर आगे मैं बताती हूँ इसको किस तरह से क्या करना है, मतलब बहुत ही ईजी है बहुत ही। बस अब इसके सारे जितने मैंने बनाए ना इनको तोड़ लें बिल्कुल बारीक बारीक क्योंकि इसको ना मशीन में पीसना है, ब्लेंडर में ये चूना पीसने की जो भी मशीन है आप उसके अंदर डाल दें इसको बिल्कुल बारीक पीसने मोटा नहीं पीसेगा। ये देखें इस तरह से ये मैंने पीस लिया सारा बिल्कुल बारीक हो जाएगा सीरे की तरह ना। अब जो है इसके अंदर मैं डालूँगी पीसी हुई चीनी जो मैंने रखी थी वो इसके अंदर डाल देनी है और जो है फिर इसके अंदर डालूँगी इलायची पाउडर और मैंने बादाम जो थे वो पीस लिए थे 2-4 चम्मच। तो बस वो इसके अंदर डाल देंगे और बाकी तो आप जितना इसमें डाल सकते हैं काजू बादाम पिस्ते वो डाल दें। अब घी जो मैंने रखा था वो घी मैंने इसके अंदर डाल दिया तकरीबन 10 चम्मच हैं ये भी और इसको जो है अच्छे से मिक्स करें, मतलब जो है ना मेरे पास तो खैर यही थे ना बादाम पिस्ते मैंने डाल दिए ना आप काजू तेल चार मार्च जो भी जितना भी अच्छा डालें मतलब जितना गुड़ डालें उतना ही मीठा होता है अच्छे बनेंगे जायके तो खैर वही टेस्ट तो होता ही अच्छा है, जितनी चीज़ें डालेंगे तो और अच्छे मज़ेदार बनेंगे। तो बस बहुत ही आसान है देखने इस तरह से इसका बन जाएगा और इसकी डो तो बनाई नहीं गई भुनते इसको लिया था और पका भी लिया था मतलब बेसन भी कच्चा नहीं है, बस इसको अच्छे से मिक्स करें। अब इसके अंदर मैंने डालना है थोड़ा कलर डालूंगी इसको देने के लिए क्योंकि सफ़ेद सफ़ेद लग रहे थे। तो बस अब मैंने थोड़ा पानी में कलर डाल के इसको घोल के ना डाल दिया और बस अब इसका मैंने मिक्स कर लिया सारा मिक्सचर मिक्स हो गया। अब जो है ना इसको उठा के जो है ना कोफ्ते की तरह इसका बनाना है लड्डू जिस तरह जितनी भी शेप में बनाना है आपको छोटा बड़ा जो भी साइज रखना है, बस मैं दरमियाना रखूँगी तो जो है ना इसको दबा दबा के बनाना है और गोल कर लें क्योंकि अगर इसको दबा के नहीं बनाएंगे इसको दबा दबा के बनाएं कोफ्ते की तरह और गोल गोल कर लें वरना जो है इसके अंदर क्रेक पड़ जाएंगे और जो है ना ये पीस सकते हैं।
तो बस इसी तरह जो है मज़ेदार पूरे लड्डू जो है तैयार हो गए ट्रे भर के, और इतनी जमनी बने ना मज़ेदार बने, मतलब इतनी कम कॉस्ट में इतने सारे लड्डू बने। बस लड्डू जो है बनके तैयार हो गए, इसको मैंने जो है गार्निशिंग के लिए जो मैंने बादाम पिस्ते जो थे ना काटे थे उसी को मैंने बारीक बारीक तोड़ लिया था, और ऊपर से जो है चाली का उसमें पास पड़ा हुआ था मैंने वो लगा दिया। तो देखें कितने मज़ेदार बने, बहुत ही अच्छे बने। बस मुझे साइज़ यही पसंद है, ज़्यादा छोटी छोटी गोलियाँ नहीं होती हैं, बिल्कुल दरमियाना साइज़ यही अच्छा लगता है। जिस शेप में भी आप बनाएं तो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो बस मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो मेरी पिछली वीडियो आप लोगों ने पसंद की आप सबका बहुत शुक्रिया। और बस यही मैं कहती हूँ सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, लड्डू खाते जाएँ, सब्सक्राइब करते जाएँ मेरी वीडियो को। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और जो है अपनी फैमिली फ्रेंड में ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर कर दिया करें। बाकी मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह। अरे वाह। Follow me on Instagram, link description, Allah Hafiz.